सिटी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। आज रामबाबू यादव पूर्व प्रत्याशी विधानसभा रक्सौल विधानसभा 10, ये देखा जाए क्योंकि अभी कोरोना का भी वैक्सीन आया है जो कुछ एक दिन पहले पता चला है। कुछ इसके विषय में कुछ और भी बातें हैं क्योंकि इस तरह की अभी सिनारियो आ रही है सामने कि देखा जाए किसान का आंदोलन काफ़ी जोड़ों पे है। सरकार के साथ बहुत सारी मीटिंग हो रही है, डेली मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लेकिन नतीजा कहीं कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। बहुत बड़ी समस्या है किसान की समस्या। आप एक बात देखिए, होता क्या है देखा जाए, किसान कोई भी पार्टी जब चुनावी मैदान में आती है बहुत सारे वादे करते हैं किसान को लेके, हर चुनावी सभा में किसान की बात होती है, लेकिन किसान के हित में कौन कहां तक सोचता है, ये तमाम जानकारी के लिए हम थोड़े आए हुए हैं रामबाबू यादव साहब के पास। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। आज जो पूरे देश में किसानों का जो आंदोलन हो रहा है उसको हम लोग समर्थन में हैं। किसान हमारे जो है अन्नदाता जो हैं उनके साथ जो ये सरकार जो दुर्व्यवहार कर रही है, दो बार सरकार के साथ जो बढ़ता हुआ बढ़ता दोनों बार विफल रहा, आज जो बढ़ता कर रही है सरकार, जब वो कानून जो बनाई उस समय किसान लोग को बुला के बात करनी चाहिए। जिस कान जो आप कानून बनाए हैं किसान के लिए और उस कानून से अगर किसान को फायदा नहीं है तो उस कानून को वापस लेने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके लिए आप कानून बनाते हैं उसके वह फायदा की चीज़ नहीं है, इसमें कोई नहीं, जब कानून बना जब फायदे की चीज़ अगर नहीं है तो फिर कानून बना क्यों। ये तो दोनों के साथ मिली भगत तो थी, किसान साथ में बैठ के बातचीत करते इसका समाधान निकालते तो ये समाधान तो निकल सकती थी। कोई भी कानून बनाने से लिए कहीं भी आप कोई रोड बनाते हैं तो पहले तो इंजीनियर भेजते हैं ना उसके लिए कि कहाँ क्या करना पड़ेगा। उसी तरह कानून बनाने से पहले हर एक राज्य से 5-10 किसान लोग को बुलाते, अपना राय विचार विमर्श लेते, उसमें मामला हल हो जाता। आपने कानून हिटलर की तरह बनाकर कानून थोप दिया और उसमें कई तरह से अफवाहें चलाई गई कि किसान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज हमारे बिहार में धान का जो सरकारी मूल्य है 1880 रुपये, आप बिक कैसे रहा है 1240 रुपये। एक सरकारी कहीं क्रेन नहीं खुला है जिसे किसान लोग अपना धान बेचे। देखिए ये जो कानून आया इसमें सबसे बड़ा फायदा जो दिख रहा था, जो लोगों की समझ में आया कि जब ये बनाया गया कानून कि आपका बिचौलिया खत्म होगा, ब्रोकरी सिस्टम खत्म होगा, ये मानते हैं आप? और वह चीज इसमें हावी हो गया, ये कैसे कह सकते हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि इसीलिए ना कह रहे कि सिर्फ इसको गुमराह किया जा रहा है, जब सारे चीजों को MRP लिखा जाता है, उसका मूल्य लिखा जाता है, तो हम कह रहे हैं कि जितने भी खदान पदार्थ है हमारे जितने भी किसान के यहाँ से आता है तो उसका आखिर क्यों नहीं मूल्य उसका लिखा जाता है। वह जब चीज़ चला जाता है कॉरपोरेट घराने में चला जाता है तो उस चीज़ को MR लिख दिया जाता है। आखिर किसानों के साथ है हमारा जो देश, आज भी जो चल रहा है कृषि प्रधान देश है हमारा, और हमारे अन्नदाता अगर वो तकलीफ में है इस ठंड के मौसम में, उरूद पर अपने बाल बच्चा के साथ है लाखों किसान। अगर ये बात आपका कहना है ये तो समझ में आता है कि देखिए किसानों की परेशानी है तभी वो रोड पे आए हैं, इस बात से एग्री हैं, लेकिन इसको बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें आ रही हैं कि इसको पार्टी से लेकर रिलेट किया जा रहा है कि कुछ पार्टियां इनको गुमराह कर रही है, कहां तक ये उचित है? वह किसान है, किसी भी दल जमात किसी भी पार्टी से नहीं, हम भी एक किसान परिवार से आते हैं, दल जमात अपना अलग है लेकिन किसान किसान होते हैं। आज हमारे देखिए ना, जो बिहार में ही लोग औने पौने दाम में बेच रहे हैं, सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है कि हमारा रेट है 1880 रुपये, लेकिन कहीं
इसको खरीदे तब ना। हमारी कितने भी पैक्स अध्यक्ष लोग से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम लोग धान नहीं खरीद रहे, कि सरकार का जो रवैया है, जो नीति है, जो नया जो नियम लागू हुआ है, कानून लागू हुआ है, हम लोग का भुगतान समय पर नहीं दे रहा। तो हम लोग किसान से जब धान लेंगे तो हमसे वो लोग खोजेगा जो भुगतान करिए। तो सरकार का बोलकर कहीं ना कहीं इसमें दोहरा रीति है, दोहरा नियम है। और उस मापदंड में ही जान लीजिए एक्स अध्यक्ष। अच्छा एक बात देखिए, इसमें बहुत सारे नारे भी लगे, वो नारे जो लगे हैं जो कुछ अगेंस्ट में आपको दिख रहा है, उसके विषय में आप कुछ बताइए। क्या चीज के नारे लगे इस तरह के नारे लगाए गए, खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के कुछ नारे आपने सुने होंगे। सबसे बड़ी बात है कि यह अफवाह है। और दूसरा चीज है कि जब कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं से दूसरे रूप दे दिया जाता है। आरोप देने का कारण ही होता है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए, दूसरा कुछ नहीं है। या किसान है, हिंदुस्तान के किसान है, इसमें कहीं कोई दल जमात अगर कोई भी अगर समर्थन कर रहा है तो उसका शुक्रिया है जो किसानों के साथ है। दूसरा चीज आ जाइए हमारे बिहार में, देखिए आपके कांग्रेस की सरकार, शुरू से ही मैं बता रहा हूँ, पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें किसान का कहीं जिक्र नहीं था। दूसरी पंचवर्षीय योजना आई उसमें किसान की थोड़ी सी बातें आई थी। तो आप ये बात कहते हैं कि हम समर्थन में हैं, क्या वो समय भूल गए जब शुरुआत में आई थी, उस समय क्या किसान नहीं थे क्या? जब ये बात आप कह रहे हैं, पूरे देश में किसान जो लोन लिए थे केसीसी, हमारे कांग्रेस के सरकार ने उसको माफ किया और किसानों को संजीवनी मिला, एनर्जी मिला, पूरे देश के किसानों को इस चीज को याद रखे हिंदुस्तान की जनता। और हमारे ही पार्टी का नारा है जय जवान जय किसान। जब तक किसान खुश नहीं रहेंगे, जवान भी खुश नहीं रहेंगे। जिस जवानों से यह सरकार लाठियां चला रही है वह किसान के घर से ही जन्म लिए हुए हैं। कोई भी कॉरपोरेट घराने के लोग अपने बाल बच्चा को सेना में नहीं भर्ती कराता है। हम लोग जैसा किसान के परिवार के लोग हैं जो सेना में पुलिस में है ना जाते हैं, या कहीं से ही जान लीजिए। मैं इस पर तोहमत नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वह किसान है। किसान के साथ अगर कोई भी सरकार हो, अगर अन्याय करती है तो उस सरकार को मिति में मिल जाना होगा। किसान हमारे अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ लाठियां नहीं होनी चाहिए, पानी के बौछारें नहीं होनी चाहिए। आज कितना अंदर से कितना तकलीफ में है किसान कि आप 6 घंटा 7 घंटा वार्ता के लिए बुलाते हैं और वहाँ आप अपना लंच करते हैं, लेकिन किसान जो अपना लेकर गए थे जमीन पर बैठ के लंच करते हैं, आपकी सब्जियां मर गई थी, आपकी इंसानियत मर गई थी कि वो लोग जमीन पर बैठ के खा रहे हैं और अपने आप चले गए एसी रूम में बैठ के खा रहे हैं। आप भी तो वहीं बैठ के खा सकते थे। ये बात आप कह रहे हैं तो एक बात और सामने आई है कि जब किसान नेता को बुलाया जाता है उद्योग भवन में आके बैठ के मीटिंग करने के लिए, तो उनको पुलिस भी आने नहीं देती है, क्या ये कहाँ पे सच्चाई है? देखिए यह सोरे आना सच्चाई है कि ये लोग धीरे धीरे वार्ता के नाम पर चाह रहा है किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, या हिटलर की तरह यह चला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार को कि जो कानून आप बनाए हैं उस कानून को आपको वापस लेने में क्या दिक्कत है? यह किसान है, कोई दल जमात का ये लोग नहीं है, ये किसान है। और आपके अगर दिल दिमाग में है कि इसको कहीं से कोई फंदी कर रहा है, वो सब चीज सामने आ गया है। आज बड़े बड़े खिलाड़ी लोग अपना पुरस्कार वापस कर रहे हैं। ये बात आप कह रहे हैं बहुत, क्योंकि कल ही हम लोगों ने भी सुना न्यूज के माध्यम से ही कि 35 खिलाड़ियों ने अपना पदक वापस करने की घोषणा कर दी है। या वह जो वापस जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग के दर्द है, तकलीफ है, तब ना वापस कर रहे हैं।
वह जो पदक लेने के लिए क्या से क्या करना पड़ता है तब जाके वह पदक मिलता है, वो चीज को लोग वापस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को वह बतलाना चाहते हैं कि किसान के साथ है अन्याय मत करिए, अन्नदाताओं को ज्यादा रुवाइए नहीं, ना तो देश कहाँ चला जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। अगर हमारे अन्नदाता अगर नहीं माने, उनके अगर जो भी ये कानून जो आप बनाए हैं हिटलर की तरह उसको वापस जब तक नहीं लीजिएगा, हमारे अन्नदाता को लाठी गोली पानी के बौछार से दबाना चाहिए, चाहिएगा आंदोलन को। यह दबले वाला नहीं है, बिहार में भी इसका सुगबुगाहट हो चुका है और कभी भी बहुत बड़ा आंदोलन बिहार से भी शुरू होने जा रहा है। मैं यहाँ के भी सरकार से आगाह कर देना चाह रहा हूँ कि अविलंब हर एक प्रखंड में धान क्रय जो है आपका सरकारी जो मूल है उस पर किसानों का धान आप खरीदिए।